नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेलीग्राम पर जो लोग आपके लिए टिप्स देते हैं, एडवाइस देते हैं या फिर आप उनकी एडवाइस लेते हैं या उनका प्रीमियम चैनल ज्वाइन करते हैं, तो वो सब आप फ्री में कैसे करें और दूसरा आप उनसे दूर क्यों रहें, उनके आज राज यहाँ पर खोलने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आप खुद से सारी चीज़ें समझ जाएंगे, एक दिन चेक करेंगे आप बिलीव करने लगेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, आप किसी भी एक चैनल को ले लीजिएगा जो भी आपको टिप देता हो या आप उसकी टिप लेते हो, कुछ भी। देखिए देने के लिए तो हर कोई दे रहा है, आप ले रहे हैं, गलती तो सबसे पहले आपकी है ना, और बाद में जब लॉस होगा तो आप कंप्लेन करेंगे यहाँ वहाँ इतना लॉस करा दिया, अब क्यों होगा वो समझिए। देखिए कोई भी टेलीग्राम पे चैनल है उसने पहले बनाया, पहले आपको फ्री वाली कॉल दिखाएगा, और ज़्यादातर वो फ्री वाली कॉल पता है कब आएगी, या तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट में या फिर आएगी 9:15 पे। और 9:15 पे खास चीज़ क्या होती है कि वहाँ पर मूवमेंट तो बहुत तेज़ी से आता ही है, तो पहले से ही वो ऐसा छांट के रखते हैं और पोस्ट आपके सामने कब करेंगे जब वो वास्तव में उतना टारगेट दे चुकी होगी। मान लीजिए कोई उन्होंने एडवाइस दे दी, किसी भी एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, 50 रुपीज़ पर कोई कॉल उन्होंने बाय करने को दे दी, कॉल या पुट जो भी हो, मतलब मैं एक ट्रेड बात कर रहा हूँ, तो एक ट्रेड उन्होंने 50 रुपीज़ पे दे दी, वो ऑलरेडी उस चार्ट को पहले ही देख चुके हैं, 50 से ये 55 तक तो हो गया है, तो अभी वो 50 पे आपको बाय करने को बोलेंगे और टारगेट बोलेंगे 55, 60, 65, 75 फलाना फलाना टारगेट। अब आपके पास जब तक वो पोस्ट आएगी तब तक वहाँ पर आप देखेंगे टेलीग्राम फटाफट अपडेट आते होंगे, 50 से 55 हो गई है, 57 हो गई है, 59 हो गई है, ये 61, ये 69, मतलब इतनी तेज़ी से आपके पास अपडेट आएंगे कि जब तक तो आप सिर्फ टेलीग्राम पे उस चैनल को ही देखते रहेंगे, उस कॉल को तो देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। और वो होगी आपके पास पहली आपको रिझाने की और अपने पास बुलाने की निंजा टेक्निक। अब उस टेक्निक के बाद आप क्या करेंगे, फटाक से सोचेंगे कि नहीं यार बेस्ट देता है इसका तो रोज का है, हर रोज ऐसी कॉल मिलती है और वो उसी वक्त मिलेगी, आप कभी चेक करके देखना, उससे पहले वो प्राइस हो जाएगा। अभी एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा। अभी क्या है, अब आपके पास थोड़ी देर में एक मैसेज आएगा कि अब आप इनकी प्रीमियम सर्विस लेंगे तब आपके लिए कॉल मिलेंगी, जिसमें डेली आपको 2 से 3 कॉल मिलेंगी या कुछ भी 5-10, हर किसी का अपना अपना है। तो अब वहाँ पर दोस्तों क्या है कि आप लालच में तो आ ही चुके हैं कि बेस्ट है, अब आपके लिए कोई और कॉल दी जाती है उस प्रीमियम चैनल की बात कर लें। प्रीमियम है मतलब मैंने अभी तक देखा नहीं है किस तरह से प्रॉपर, लेकिन तरीका सबका एक ही है, मतलब सबका नहीं देख पाया हूँ, तो उनका तरीका क्या रहेगा। अब आपके लिए चाहे प्रीमियम चैनल है या सादा है या कैसा भी है, जो भी आपको ट्रेड दिया जाएगा वो ट्रेड कभी आपको पहले से जल्दी नहीं दिया जाएगा, हमेशा वो ट्रेड में आप देखेंगे जिस ट्रेड में ज़्यादा, मतलब अगर आपको कोई कॉल दे दिया 60 रुपीज़ से कोई ट्रेड दिया है, तो वो 60 से जब तक आप उस ट्रेड को देखेंगे ना पोस्ट होगा तब तक वो ऑलरेडी 65-70 तक हो चुका होता है, और उनका उसमें पहला टारगेट ही 70 होता है, 90 होगा, 110 होगा या कुछ भी। अभी आप सोचेंगे कि शायद मैं लेट हो गया 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, देख नहीं पाया, ये 60-70 हो गया, पर नहीं, आप लेट नहीं हुए, वो उनका तरीका ही था आपको ये चीज़ दिखाने का, आप लेट वहाँ बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, वो उन्होंने पोस्ट ही उस टाइम पर किया जब तक वो टारगेट होने लगता है, थोड़ा उसके बाद ही वो पोस्ट किया जाता है। अब दूसरी बात पे आते हैं दोस्तों, एक और एग्जांपल, मतलब इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना और चेक भी कर लेना, तभी आपको विश्वास होगा, और इन लोगों से क्यों आपको दूर रहना चाहिए, ये खेल चल रहा है मार्केट में, लोगों को सबसे ज़्यादा लॉस तो ये चैनल वाले करा रहे हैं, टेलीग्राम वाले, व्हाट्सएप वाले, इनसे दूर रहियो, ज़्यादातर आपके लिए टेलीग्राम पर मिलेंगे, अब क्यों वो भी देखते हैं। अगर आपने उनके बिहाफ पर कोई ट्रेड ले लिया तो सबसे पहली चीज़, अब आपको ये भी नहीं पता है कि मुझे इसमें अपना कैपिटल कितना डालना है, मतलब अगर मैं 1 लाख से ट्रेड करूँ तो मैं 1 लाख रुपए की ये कॉल बाय करूँ या 50,000 की या 20,000 की या 70,000 की या 60 की, कुछ नहीं पता आपको। क्यों? क्योंकि अब आप सोचेंगे, बहुत सारे लोग डिफेंड करने के लिए ये भी बोलेंगे, भाई वो तो आपकी मर्जी है ना, उन्होंने तो नहीं बोला ऐसा कि इतना पैसा लगाओ। भाई कैसे आपकी मर्जी हो सकती है, अगर आपकी इतनी मर्जी होती तो आप कॉल की टिप भी नहीं लेते इनसे,
और इस टिप के ऊपर आप काम भी नहीं करते होते, फिर आप अगर आपके पास इतना सेंस होता कि आप ये सब इनकी सर्विसेज नहीं लें और आप ले रहे हैं, तो आप पे ये सेंस कैसे हो सकता है कि आप कितना पैसा यहाँ डालने वाले हैं, किस प्राइस पे आपको यहाँ पर एग्जिट लेना चाहिए या नहीं। स्टॉप लॉस कभी कभी होगा और उसमें भी कभी कभी आपसे ये भी बोल दिया जाएगा होल्ड, और उसके बाद उसका प्रॉपर टारगेट नहीं दिया जाएगा। अगर आपसे दोबारा कभी एवरेज भी कराया जाएगा, टारगेट नहीं होगा, बस आपको बताया जाएगा 25 से 35 हो गया, थोड़ी देर बाद बंद दुकान। और अगर वही चीज़ 4 घंटे के बाद वही माल 25 वाला हो गया 120, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तुरंत, मतलब पोस्ट या नोटिफिकेशन कुछ भी कह सकते हैं, तुरंत आएगा। क्या बोला जाएगा कि भाई 25 to 120, और एक बार में 120 नहीं आएगा, 25 to 80, अब आएगा सीधे 25 to 95, अब आएगा सीधे 25 to 110, 25 to 150। धीरे धीरे भाई स्टॉक हो गया 500, तो वो आपको क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों आपको बार बार पोस्ट की जा रही है, कि जैसे उन्हें बिल्कुल भरोसा था और पक्का था और इतने देर तक आपके लिए टारगेट भी दिया था, आपको ये दिखाने के लिए देखो मैं कितनी अच्छी सर्विस देता हूँ, कितनी परफेक्ट मेरा एनालिसिस है, ये दिखाने के लिए, और आप वहाँ पर करेंगे लॉस। बस यही चीज़ें हैं जो लोगों के लॉस कराती हैं। तो आपको ऐसे टेलीग्राम या इन सब चैनलों की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, वो है लर्निंग पे। अगर आप सीखने पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप प्रॉफिट बना पाएंगे मार्केट से, और सीखेंगे नहीं तो हमेशा दूसरे के सहारे रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे कि काश आज एक अच्छी ट्रेड दे दे, 10 का माल 100 करा दे, 1 का माल 1000 करा दे। बस आप ख्याली पुलाव बनाएंगे डेली, शाम को बनाएंगे, सुबह को वही हाल चाल होगा, डेली लॉस थोड़ा या ज़्यादा, और आप उसकी गलती भी नहीं ठहराएंगे। आप सोचेंगे नहीं उसने तो सही पोस्ट किया था, 50 दिया था, टारगेट 60 का था, मैंने तो खरीदा ही था 58 पे, और अगर मैं 50 पे खरीदता तो मैं बेच देता उसके लिए 58 तक, 60 तक मैं रुकता भी नहीं, मतलब ये सब आप ख्याली पुलाव बनाएंगे, और यही चीज़ें हैं जो आपका लॉस करवाती हैं और करवाती रहेंगी। तो आप सबसे पहले इन चीज़ों से दूर रहना शुरू करिए, और आप देखें कितने सारे ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं, बाद में कंप्लेन होती, तो बाद से पहले शुरू में बचिए ना, दूर रहिए चैनलों से, सर्विसेज से, आप सीखिए, और सीखेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे, लर्निंग दोस्तों, अगर आप चाहे मार्केट की हो या रियल लाइफ में किसी भी काम की, किसी भी चीज़ की, लर्निंग हमेशा पैसा बना के देती है। किसी भी चीज़ को सीख लीजिए, आप पैसा बना लेंगे, और नहीं सीखेंगे ना तो हेल्पर ही में जाएंगे, तो जब तक मालिक को काम नहीं मिलेगा तो हेल्पर के लिए आपको नहीं बुलाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यही सारी चीज़ें, ये खेल चल रहा है, उनका बिजनेस चल रहा है, आपका चले या ना चले, आप वहाँ पर कोई डिसीजन लेने के काबिल नहीं है कि आपको बेचना है या नहीं बेचना है, कितना पैसा लगाना है, कब नहीं लगाना है, बस। और हो सकता है पहली ट्रेड में आपका पैसा गुल, फिर आपके पास एक मैसेज आएगा ये वाली कॉल ले लो, इसमें सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, सारा लॉस रिकवर। भाई अब आप पे पैसा ही नहीं है लोगे कब, फिर आप ये अफसोस करोगे काश मेरे पे पैसा होता, पर अफसोस आपको ये करना चाहिए काश आपने ये सर्विस नहीं ली होती, तो आप लालच में नहीं आते। और सबसे पहली चीज़ दोस्तों, दूसरों का प्रॉफिट और लॉस देख करके कभी अट्रैक्ट मत होइए। दूसरों का प्रॉफिट और लॉस देख के अगर अट्रैक्ट होंगे ना, तो भाई साहब आप प्रॉफिट कभी नहीं बना पाएंगे, आप सिर्फ वही देखते रहेंगे, और वही चीज़ दिखा के वो आपको प्रीमियम सर्विस भी देगा, आप लेंगे, आपका पैसा जाएगा, वो कमाएगा, तो वो क्या है, सब कुछ नकली। तो इसलिए ये सब के चक्कर में मत पड़िए, किसी की प्रॉफिट को देख करके आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इतना प्रॉफिट भाई आप कमाइए जो आपको कमाना है, प्रॉफिट को मत देखिए किसी के। प्रॉफिट देखेंगे सबसे पहले आपको सीखने पे फोकस करना चाहिए, आप प्रॉफिट देखेंगे फिर आप उसकी कॉल पे भरोसा करेंगे, आप ले लेंगे, आपका लॉस होगा, ऐसा ही होता है। तो बस इन चीज़ों को देखिए, समझिए, और हम धीरे धीरे लाइव भी शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी वहाँ देते रहेंगे। फिलहाल हमारा यहाँ पर कोई भी ऐसा मकसद नहीं है आपको कोई प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कराना या कुछ भी, क्योंकि ये हमने ना कभी किया है ना हम कभी करने वाले हैं। आप लाइक कर देंगे वीडियो को, कमेंट कर देंगे, ये हमारे लिए बहुत मोटिवेट कर देता है, काफ़ी है। पैसा कमाना है मार्केट से कमाएंगे, कोर्स बेच लेंगे, लेकिन सिखाने के लिए टिप नहीं, टिप देना मुझे पसंद नहीं, और टिप जो लेते हैं वो अपना लॉस करेंगे, ये आप याद रख लीजिए दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी समझ में आया है, आपका पैसा बच सकता है,
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। नमस्कार दोस्तों।